वेलकम टू आवर YouTube चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग मॉरल वैल्यूज ऑफ क्लास 6 एंड दिस इज अवर 7th चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज गुड वैल्यूज, अच्छी आदतें, अच्छे गुण. मॉरल वैल्यू एजुकेशन एंड एकेडमिक एजुकेशन बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. नैतिक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. वॉट इज वैल्यू एजुकेशन, नैतिक शिक्षा क्या है? वॉट इज एकेडमिक एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा क्या है? आउट ऑफ बोथ विच वन इज इम्पोर्टेंट, इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नेम द वन पर्सन वी हैव बोथ वैल्यूज, हु हैव बोथ वैल्यूज. किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिसमें ये दोनों ही गुण हैं. वॉट इज ट्रूली फ्रूटफुल एजुकेशन, सही रूप से फलदायक शिक्षा क्या है? थिंक अबाउट रीजन, कारण के बारे में भी सोचें. द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हेयर. विच इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी शिक्षा है? एकेडमिक एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा या नैतिक शिक्षा. वी नो बेटर दैट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. विदाउट फॉर्मल एजुकेशन अनलेस यू आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड एंड कैन टीच योर सेल्फ यू विल नॉट बी एबल टू रीड एंड राइट. यदि केवल आपको नैतिक शिक्षा ही हो और आप पढ़ लिख ना सकते हो तो केवल आप पढ़ने लिखने के योग्य. विदाउट फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के बिना, अनलेस यू आर एक्सेप्शनली गिफ्टेड एंड कैन टीच योर सेल्फ, चाहे आप कितने भी गिफ्टेड हैं और कितने भी गुण हैं आपके अंदर और आपने अपने आप को पढ़ा सकते हैं या काफ़ी आपको ज्ञान है, यू विल नॉट बी एबल टू रीड और राइट, तो आप फिर भी उसके बावजूद लिखने और पढ़ने के योग्य नहीं हो सकते. विदाउट दीज स्किल्स, और इन कुशलताओं के बिना, यू कैन नॉट गेट अ गुड जॉब और मैनेज इवन द सिंपल डीड्स ऑफ डेली लाइफ. और इस सब के बिना, पढ़ने लिखने के बिना, आपको ना ही तो अच्छी नौकरी मिलती है और ना ही आप अपने जीवन के दैनिक कार्यों को करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाते हैं. अ रेयर गिफ्टेड फ्यू मे बी एबल टू एजुकेट देमसेल्व्स बट मोस्ट ऑफ अस नीड हेल्प इन दिस. बहुत ही मुश्किल से गिफ्टेड फ्यू मे बी एबल, जो बहुत ज़्यादा गुणवान है वह योग्य बन सकता है टू एजुकेट देमसेल्व्स, उन सबको एजुकेट करने में, शिक्षा देने में. बट मोस्ट ऑफ अस, लेकिन हम में से बहुत ज़्यादा को नीड हेल्प इन दिस, इस कार्य के लिए उसकी सहायता की जरूरत होती है. वैल्यू एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इसी तरह जो हमारी नैतिक शिक्षा है वह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बराबर ही महत्व रखती है. इफ़ अ हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड वेल एम्प्लॉयड पर्सन डज नॉट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपरली ऑल दैट. और इसी तरह अगर देखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं एंड वेल एम्प्लॉयड पर्सन, वेल एम्प्लॉयड पर्सन डज नॉट नो हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, और बहुत अच्छा शिक्षित व्यक्ति नहीं जानता कि किस तरह का व्यवहार उसे करना चाहिए दूसरों के साथ, ही और सी नोज लिटिल मीनिंग, तो उसका मतलब ये है कि वह, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो एक छोटा सा अर्थ ही समझ पाता है. एंड विल नॉट सर्व हिम और हर वेल, वह सही तरीके से सेवा नहीं कर सकता. लिटिल लाइफ बट गुड लाइफ, छोटा जीवन लेकिन अच्छा जीवन, इज टू बी चीफली वैल्यूड, उसका बहुत ही ज़्यादा मूल्य होता है. वैल्यू एजुकेशन एंड एकेडमिक एजुकेशन आर इक्वली इम्पोर्टेंट, नैतिक शिक्षा और आपकी विद्यालय शिक्षा या आध्यात्मिक शिक्षा बहुत, दोनों ही बराबर महत्व रखती हैं. ट्रूली फ्रूटफुल एजुकेशन इज द काइंड यूज फॉर आवर वेलफेयर एज वेल एज दैट ऑफ अदर्स, जो सही रूप से फल पहुंचाने वाली जो शिक्षा है वह किस प्रकार की होती है, जो कि यूज़ की जाती है, जिसका प्रयोग किया जाता है, वेलफेयर एज वेल एज दैट ऑफ अदर्स, जिससे दूसरों की भलाई का हम कार्य कर सकें. दिस कैन हैपन ओनली व्हेन यू हैव बोथ फॉर्मल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन. और ऐसा कब संभव हो सकता है? जब आपके पास दोनों ही तरह की शिक्षा होती हैं, आपके अंदर नैतिक गुण भी हैं और आप विद्यालय शिक्षा, एकेडमिक एजुकेशन भी आपके पास है. Here are examples of two scientists who are brilliant and very highly qualified.
यहाँ पर एक उदाहरण आपको देखने के लिए मिलता है दो वैज्ञानिकों का जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं और हाईली क्वालिफाइड और उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं। वन इन्वेंट्स लाइफ सेविंग ड्रग व्हाइल द अदर इन्वेंट्स अ लाइफ डिस्ट्रॉइंग बर्न्स। एक वैज्ञानिक आविष्कार करता है एक ऐसी ड्रग का, ऐसी दवाई का जो कि जीवन बचाती है, और दूसरा आविष्कार करता है दूसरा वैज्ञानिक एक ऐसे बम का जो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, जीवन को खतरे में डाल देता है। बोथ हैव द ग्रेट डील ऑफ रेगुलर एजुकेशन, दोनों के पास ही नियमित शिक्षा है, बट द साइंटिस्ट हु विद द करेक्टर अ लव फॉर ह्यूमन काइंड, लेकिन जो वैज्ञानिक मानवता की भलाई के लिए कार्य करता है एंड सर्टेन वैल्यूज, उसके पास निश्चित रूप से वह गुणवान माना जा सकता है, क्रिएट समथिंग दैट कैन सेव हंड्रेड ऑफ लाइफ, और वह क्योंकि एक ऐसी चीज़ का आविष्कार करता है जिससे कि सैकड़ों जीवन बचाए जा सकते हैं। व्हाइल द अदर साइंटिस्ट, जबकि दूसरा वैज्ञानिक क्रिएट समथिंग ऐसा आविष्कार करता है दैट कैन डिस्ट्रॉय एंटायर सिटीज, जिससे कि संपूर्ण शहरों का एनकास पेन संपूर्ण शहर के शहर नष्ट हो सकते हैं, और जिसकी वजह से काज द पेन एंड डिफॉर्मेलिटीज इन इवन इन फ्यूचर जनरेशंस। और दूसरे ने जिसने कि घातक बम का आविष्कार किया है उससे शहर के शहर तबाह हो सकते हैं और जो आने वाली पीढ़ी तक उसके उस उनके लिए भी उससे खतरा पैदा हो सकता है। वी मे से द एजुकेशन एकेडमिक एजुकेशन प्लस वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड ऑल ऑफ अस। हमारा कहने का मतलब है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक एजुकेशन जो होती है शिक्षा, उसके साथ साथ नैतिक शिक्षा का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल ऑफ अस गो थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स। हमारे सभी के साथ दोनों तरह का वक्त आता है, अच्छा और बुरा। वैल्यू एजुकेशन हेल्प अस इन बोथ इन डिफिकल्ट मोमेंट्स एंड इन हैप्पी वंस। हमारे सभी के साथ हमारी जो नैतिक शिक्षा होती है, जो हमारे अच्छे गुण होते हैं, वो हमारी मदद करते हैं बुरे समय में और हमारे सुखी समय में। दुख और सुख दोनों ही प्रकार के समय में हमारी मॉरल एजुकेशन हमारी हेल्प करती है। मैनी पीपल विद एजुकेशन एंड पावर टेक सक्सेस फॉर ग्रांटेड व्हेन एवरीथिंग गोज देयर वे, बट द मिनट समथिंग गोज रॉन्ग एंड दे फेस फेलियर। बहुत सारे लोगों को सफलता मिल जाती है उनके एकेडमिक एजुकेशन से, लेकिन अचानक ही अगले ही पल अगर उनसे कोई एक गलती हो जाती है तो वह उनकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और एकदम से अचानक उन्हें असफलता हासिल करनी पड़ जाती है। दे गो इन टू पीसेज, और इसी तरह वो परेशान होते हैं। इवन रिनॉन्ड किंग विद वर्थ किंग एंड रिच हैड देयर शेयर ऑफ जॉय ऑफ लॉटाइंस। यहाँ तक कि बहुत बड़े जाने पहचाने राजा जिनका बहुत बड़ा किंगडम था, राजधानी थी, राज्य था, एंड द रिच हैड देयर शेयर ऑफ लॉटाइंस, वे भी अपने जो समय का सदुपयोग करते थे, दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताते थे। इन रामायणा में द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रेव प्रिंस राम, रामायण में आपने देखा होगा शक्तिशाली और बहादुर राजकुमार राम हेयर टू अ ग्रेट एम्पायर, जो कि बहुत बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, हैड टू फेस एग्जाइल, उन्हें भी एग्जाइल का सामना करना पड़ा, यानी कि कहाँ गए थे वो, वन जाना उन्हें पड़ा फॉर द किंगडम फॉर द 14 लॉन्ग ईयर्स, अपने राज्य को छोड़कर वनों में जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। दिस वॉज डिक्लेयर्ड फ्यू आवर्स बिफोर हिज कॉर्नेशन, और ये उनको कब पता चला, जब उनका राज तिलक होने वाला था, राज तिलक के होने से कुछ समय पहले ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उनको अब वन जाना होगा, और उन्हें 14 साल का वनवास मिल गया। द मुगल किंग शाहजहां बिल्ड द ताज, जो मुगल राजा शाहजहां था जिसने ताजमहल बनाया था, बट वॉज इम्प्रिजन्ड बाय हिज ओन सन, लेकिन इतना महान व्यक्ति उसको भी उसके बेटे के द्वारा जेल में रखा गया। एंड स्पेंड हिज लास्ट ईयर इन सैडनेस, उसको इतने महान जो राजा था उसको भी अपना जो अंतिम समय था जीवन का उसको दुख में वो बिताना पड़ा। ऑलमोस्ट दीज रूल्स एंड लेडर्स रूलर्स एंड लीडर्स सम कोलैप्स्ड बट अ फ्यू अमंग दीज रूलर्स एंड लीडर्स सम कोलैप्स्ड बट अ फ्यू अदर अप्रोच्ड स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड लर्नड द अबाउट लाइफ ऑफ वैल्यूज़।
इसमें से कुछ राजाओं ने तो हार मान ली, लेकिन कुछ आध्यात्मिक गुरुओं के पास पहुंच गए और विद्वानों के पास पहुंच गए और उन्होंने जीवन के नैतिक गुणों को सीखा, जीवन की जो सच्चाई है उसका उन्होंने ज्ञान लिया। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कम्प्लीट नाउ, एंड टू रीड द स्टोरी वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।